आजकल एक नारा कुछ लोग देने लग गए हैं, राजनीतिक लोग, वो प्रतिस्पर्धा में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वो नारा क्या देते हैं, पदक लाओ पद पाओ। अब विषय ही आता कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए पद सबसे बड़ी चीज हो गई। पद इतनी बड़ी चीज नहीं है, पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है, देश के लिए प्रदेश के लिए हमको उसका स्थान बनाना है, बढ़ाना है, ये तो बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन इसको करने के लिए हम थोड़े लोग, हमको ज्यादा बनना है, तो इस नारे को आज बदल दो। नारा लाओ, नारा ये करो, पदक लाओ पदक बढ़ाओ। जैसे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ था, बेटी पढ़ाओ था, ऐसे ही पदक लाओ पदक बढ़ाओ। अब पदक बढ़ाएंगे कैसे हम, इसके लिए फार्मूला सीधा सा है कि अपनी जगह मैंने एक ने पदक लिया है तो मैं ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करूं जो कम से कम मेरे द्वारा तैयार किए जाने वाले 5 खिलाड़ी 10 खिलाड़ी वो पदक लाए। और वो तब ला सकते हैं कि जब आप जीवन का करियर खेल को बना लो, और कुछ मत सोचो, खेल में आगे बढ़े हैं, हमारी पारंगता हमारा टैलेंट ये खेल है, इस खेल का टैलेंट का उपयोग करते हुए, इस अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए हम और लोगों को प्रेरित करके पदक कैसे बढ़ाएं। तो पदक बढ़ाने का आप काम करोगे तो चाहे आप व्यक्तिगत जीवन में कुछ व्यवसाय अपनाओ, चाहे आप सरकारी सेवा में जाओ, लेकिन सरकारी सेवा में ठीक है पद मिलेगा, लेकिन उसमें भी खेल में कैसे मैं उपयोगी हो सकता हूं, इस ओर योजना बननी चाहिए। और हमारे लालच इधर उधर के हो गए तो फिर एक सीमा तक हम अपना व्यक्तिगत हित ये तो साध लेंगे। हित दो प्रकार के होते हैं, एक व्यष्टि हित एक समष्टि हित। व्यष्टि होता है व्यक्तिगत हित, समष्टि हित होता है सारे समाज का हित, समाज है देश है प्रदेश है, तो उसका हित करना तभी जब हमारे पदक लाने वाले, ये संख्या इस बार 42 में से 29 खिलाड़ियों की भूमिका पदक लाने में है, क्योंकि पदक 20-22 ही है लेकिन कुछ टीम के अंदर लाए हैं, तो सब मिला के खिलाड़ी 29 हैं जिन्होंने पदक लाने में अपनी भूमिका निभाई, 12 लोग 13 लोग नहीं ला पाए। अच्छी बात तो यह कि अधिकांश लाए, कम रह गए, लेकिन क्या अगली बार ये जो 29 हैं ये क्यों नहीं 60 हो जाए, उसके अगली बार 100 के नहीं हो जाए। तो ये संख्या जब बढ़ाएंगे इसमें चाहे सरकार की नीति हो, चाहे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हम लोगों की दृष्टि हो, हम कैसे अपने प्रदेश में वातावरण बना सकें। और कहना हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कि देश में की कैपिटल, खेल की कैपिटल हरियाणा कैसे बने, इस ओर अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई।